मैं सुन, एक बंद तो सुन लीजिए कि आदमी को मरना एक दिन है, लेकिन याद कौन रह जाते हैं। दूसरा बंद ये सुन लीजिए, दो छंद सुन लीजिएगा। पहला छंद कहता हूँ कि होनी निज हाथ में लिए एक काल चक्र, जिसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए और कांपते थे जिनके प्रताप से दिगंत, वे नगण्य से अतीत के अथाह में समा गए। शूर वीरता में जो अजय कीर्तिमान रहे, अंगद का पांव इतिहास में जमा गए। और चुटकी बजी जो काल की, तो वहीं तत्काल जिंदगी की बागडोर मृत्यु को थमा गए। लेकिन लेकिन याद कौन किए जाते हैं? बाद में जिंदा रहने का, मृत्यु के बाद में भी लोग जिंदा रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? पहले दो छंद सुन लीजिएगा कि सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। मान या गुमान अभिमान का विधान हो या कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। कांच के खिलौने जैसी छुई मुई जिंदगानी, खूब सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए। और भूल करना तो है मनुष्य का स्वभाव, किंतु भूल में तो भावना पुनीत होनी चाहिए। और एक एक छंद सुन लीजिएगा कि वाटिका में भांत भांत के अनेक अनेक पुष्प फूल फूल जाते निज गर्व और गुमान में। किसी को अपने रूप का घमंड है, किसी को अपनी विद्या का, किसी को अपने धन का, लेकिन ये धन ये घमंड नहीं काम आते। काम आता है इंसान की इंसानियत, और उसी को लोग याद करते हैं। इसलिए छंद कहता हूँ कि वाटिका में भांत भांत के अनेकानेक पुष्प फूल फूल जाते निज गर्व और गुमान में। कोई कोई देवता के शीश पर विराजता है, कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में। पांच पंखुरी की देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना इसे विधि के विधान में। किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए, बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में। एक अच्छा गजल के दो तीन शेर सुन लीजिए, निवेदन करता हूँ। बिल्कुल नई गजल। लोग देखिए, कला कला के लिए भी है और कला जिंदगी के लिए भी है और कला समाज के लिए भी है। तो मैं रोज सुनता हूँ कि महंगाई बहुत हो गई और साहब ये सरकार ऐसी है और ये साहब यूँ है और यूँ यूँ है। तो हम कोई समाज तो साहित्य का, साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन सिर्फ दर्पण नहीं होता, अंधा दर्पण नहीं होता है, वो उसे दिशा भी देता है। तो मैं, मेरा एक शेर सुन लीजिए कि हम मुर्दा दर्पण नहीं है कोई, जो देख कर भी न देखे कुछ भी। हम मुर्दा दर्पण नहीं है कोई, जो देख कर भी न देखे कुछ भी। हमारी आंखों में जिंदगी है, संभल के जलवा दिखाने वालों। और न जाने कितने समुद्र मंथन का विष पिया है खुशी से हमने, हमारी बोली में जो असर है यूं ही नहीं है जमाने वालों। और एक गजल के दो तीन वो शेर सुन लीजिएगा, वो महंगाई की मार, दो तीन शेर सुन लीजिएगा कि मार महंगाई की और दुश्वारियां इतनी के बस, मार महंगाई की बस, ये जो जो रदीफ है कि बस, इस पे आप तवज्जो करिए और देखिए कैसा लगता है कि मार महंगाई की और दुश्वारियां इतनी के बस, बेखबर हैं देश की सरदारियां इतनी के बस, बेखबर है देश की सरदारियां इतनी के बस नेतृत्व। और ये शेर सुनिए कि बीमार की बीमारियों का क्या करेंगे ये इलाज, खुद हकीमों को ही है बीमारियां इतनी के बस। बीमार की बीमारियों का क्या करेंगे ये इलाज, खुद हकीमों को ही है बीमारियां इतनी के बस। काला पैसा, घूसखोरी, बेईमानी, राजनीत, काला पैसा, घूसखोरी, बेईमानी, राजनीत, इनमें आपस में है साझेदारियां इतनी के बस। इनमें आपस में है साझेदारियां इतनी कि बस। जनता भोली भाली बेशक है मगर अंधी नहीं, जनता भोली भाली बेशक है मगर अंधी नहीं। श्वेत खादी पे है काली धारियां इतनी के बस। और एक शेर यूं भी सुन लीजिए, तमाम हमारी गृहणियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, कि फल तो पहले से अंगूठा हमको दिखलाते थे, अब
फल तो पहले से अंगूठा हमको दिखलाते थे, अब मुंह चिढ़ाने लग गई तरकारियां इतनी के बाद। और आखिरी शेर सुन लीजिएगा कि आंख हो तो पढ़ के देखो जो लिखा दीवार पर, आंख हो तो पढ़ के देखो जो लिखा दीवार पर, है बड़े बदलाव की तैयारियां इतनी के बस, है बड़े बदलाव की तैयारियां इतनी के बस। और बढ़ रही है जो अमीरी और गरीबी में दरार, वक्त की आंखों में है चिंगारियां इतनी के बस, वक्त की आंखों में है चिंगारियां इतनी के बस। और मैं समझाऊं इतनी के बस। बहुत बहुत धन्यवाद।